मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी जो छोटी मोटी चीजें हम लेके आए थे ना जरूरत की, वो आपके साथ शेयर करेंगे और मैं बताऊंगी कि क्या अच्छा है और क्या नहीं हम यूज करेंगे और फिर बताएंगे ऐसे जस्ट रफली सा। ये तो किया है, सबसे पहले ये है डॉक्टर राशिद का मेकअप रिमूवर। अच्छा, हम लोगों ने जो यूज किए हुए ना, वो एक तो गार्नियर का है और दूसरा जो है वो एक मरतबा गोल्डन पर्ल का लाए थे जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। उसको जो है ना, वो उससे फेस साफ करने से ना इतना ग्लो, इतनी नीटनेस आती थी। खैर, गार्नियर का भी अच्छा, लेकिन मुझे गोल्डन पर्ल का बहुत अच्छा लगा था। अब ये हमने रात को थोड़ा सा यूज किया है, ये भी बहुत अच्छा है। मोस्टली लोग या हम भी यही समझते थे कि जो मेकअप रिमूवर होते हैं ना, मेकअप किया हो उसके बाद रिमूव करना हो तो यूज करते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर गए हो मैं तो वहां से वापस आए हैं ना, तो एक मरतबा इसके साथ साफ कर लें फिर मुंह धोए ना, तो बहुत अच्छा जो है ना वो फेस पे इफेक्ट होता है। जितने भी डस्ट, जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी फेस के होते हैं ना, वो इससे हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि इन सारी चीज़ों से हमें जो है ना प्रिवेंट करता है हमारी स्किन को। तो ये बहुत अच्छा है, यूज़ करना होगा तो कर लेना। अच्छा, इसके बाद मोस्ट फेवरेट हमेशा जो हम लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन ये वाला जो है एक तो सस्ता है क्योंकि मोस्टली घर पे वीडियो भी बनाते हैं, फिर ऐसे मेकअप्स भी ट्राई करते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर जो महंगे वाले अच्छे वाले हैं ना, वो तो फिर कभी कभी सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाना बहुत ही कम होता है। ये उनमें से एक है, बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला मस्कारा है। और फिर ये एक पेंसिल थी मेहरून कलर, ये इनकी दादू के लिए लाए हैं, अभी दी नहीं। ये कलर है इसका, एक तो बहुत डार्क ब्राउन होता है ना, वो नहीं है, इसमें मेहरून का टच है। और नेल पॉलिशेस लाए थे, ये सारी चेक की थी मैंने। ये हमने दो ही हैं, एक ये ब्राउन वाला और एक ये पिंक वाला। ये निशा ने लिया था, ये मैंने लिया था, बाकी सभी लगा लेते हैं जिसको जो चाहिए होता है। और ये हेयर स्प्रे ख़त्म हुआ था, ये बस नॉर्मल सा है, मतलब रीजनेबल मिल जाता है, लेकिन अच्छा है। हम लोग कौन सा कोई पूरे दिन के लिए कोई पार्टी वार्टी होती, एक दो घंटे के लिए तो इसके लिए बेस्ट है, चल जाता है। फिर ये है साफ करने के लिए, फेशियल वगैरह करना। और ये लोग लिया ये, और ये ब्रश लिया है अनिशा लोगों ने, लो ड्राई ब्रश, और ये रोलर्स लिए हैं। तो ये जब करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। फिर ये हमारे पास सारे ब्यूटी ब्लेंडर थे, इस तरह का पफ जो है ना वो नहीं था, जो बेस होती है ना वो इससे ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये कलर उस दिन जिस दिन इसके पप्पो के घर गए थे ना फ्लैट में, तो उसके पास तो ये कलर जो है ना हम लोग ढूंढ के लाए। हालांकि वो कह रही थी कि मैं ला दूंगी, लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा नहीं यार ले लेते हैं अगर मिल रहा है तो अभी अप्लाई करूँ कि नहीं करो? फ्रंट करते एक मिनट। तो इस कलर को मैं करूँगी अप्लाई, अब पता नहीं ये कैमरे में कर रही हूँ सही होता है कि नहीं। मुझे नजर, मेरी आई साइड थोड़ी वीक है। किधर जा रही है? पता नहीं कैमरे में देख के कैसे ग्लो कर लेते हैं। हाँ, ये देख सही है। और ये कर्लर लाए हैं, हमेशा लेके आते हैं लेकिन अच्छा नहीं आता है, इस बार देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा होगा करके देखो, इधर तो नहीं करके देखो। ये तो कोई भी नहीं कैमरे में देख के, नहीं नहीं पता चल गया। ये देखो, काफी हुई है। बस इतनी सी ही चीजें थी, तो चले अभी नीचे चाय बनाए और पकोड़े भी बना दें और चाय भी बनाए। अगर मैं अपना जरा चाटा समेट ला किचन में जाने से पहले जो है ना बाल वाल समेट के जाना चाहिए, और ये भी उतारूंगी मैं। अभी बन रहे पकोड़े और मौसम इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है कि सांस जैसे घुटन नहीं हो रही होती, बंद हो रहा होता है। वैसे रहा ना बारिश होगी, आई थिंक आज तो नहीं होगी, लेकिन मौसम बहुत, मे बी हो भी जाए कोई पता नहीं, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। और हम बना रहे पकोड़े, कलर अच्छा है ना, मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं, देखो जैसे होते ना बहुत काले काले, ऐसा नहीं किया, नॉर्मल। पता नहीं हमारे पापा कितने बजे आए, आज है ना गरम गरम। तो गाइस आप देख सकते हैं
ये आया हमारे पापा लेके आए हैं चूज हैप्पीनेस एवरीडे हैप्पी वाला डोनट। ये है हमारा चॉकलेट डोनट, ये हमारा सॉल्टेड पीनट डोनट या वाइट डोनट, और ये है ग्लेज डोनट, और ये है चॉकलेट एंड स्प्रिंकल डोनट, और ये है लोटस डोनट। तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगे यार? मूछ पाने की कोई नहीं, लोटस। और आपको आपको उनमें बस लगी रहती है, बताइए। ये वाला लोटस है, लोटस दोनों को लोटस पसंद है। सो और मुझे तो ये वाला अच्छा लगे। और अब पूछेंगे मम्मा से जब मम्मा आएंगी। तो भाई ये एक वो काम है जो मेरे हस्बैंड डेली करते हैं, जब भी वो ड्यूटी से आते हैं ना कुछ लाजमी लेके आते हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं आते। कभी कभी मैं हालांकि थोड़ा सा नाराज़ हो जाती, गुस्से में आ जाती हूँ कि यार डेली मत लेके आया करो, एक तो महंगाई इतनी है, दूसरा बच्चे जो है ना इस तरह ख़राब होते हैं, मतलब ख़राब से मुराद के उनको हर रोज़ यही होती है कि पापा आएंगे कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ये मज़े का है ये वाला खाना, प्याज ले लो। तनु आ गया ट्यूशन से, देख तनु मजे के है ना। रोल मजे का है। पास्ता खाने, पास्ता पास्ता भी बनाओ खा के। कौन से हैं ये? चिकन रोल, चिकन रोल, समोसे भी हैं, फ्राइज भी हैं, जो खाना है खा लो। इन्हें पूरा डिब्बा खाएगी? खा लेगी, खा ले मोटी हो जाए। अच्छी वाली कौन सी है? सारी अच्छी हैं, क्या मतलब अच्छी वाली कौन सी है? मैंने भी बस ग्रीन वाली ट्राई की है। मुझे वो वाइट वाली अच्छी लगी, ग्रीन में पिस्ते वगैरह और इसमें वो है क्या कहते हैं चीली ची। तो रात के 10:30 ये स्कूल से आया लड़का। क्या कर रहे थे? जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। क्यों, आज क्या था? आज उसकी बर्थडे थी हमारी ट्यूशन टीचर की, तो हमें मॉल लेकर गई, फिर कैफे लेकर गई। हाँ शीशा भी। हाँ अल्लाह सच्ची, तुझे मैं दिखाओ, दिखाओ वीडियो। तो ये बहनों के लिए ये लेके आया, ये क्या लिख गया? क्या बकवास है हमारे ये स्टेक के साथ मैश पोटैटो, मुझे भी खिलाओ। आप केक के लिए पैसे लेके गए थे, केक आप लोगों ने किया था मिस के लिए कि नहीं? केक किया था? नहीं, केक की जरूरत ही नहीं वहाँ पे था यार, लेकिन आप लोग को काटना चाहिए था। गिफ्ट लेके चले जाना, हाँ कल ले जाओ, गिफ्ट लेके जाना। हाँ सूट तुझे दूंगी मिस के लिए, ले जाना ठीक है। दिखाओ ये तो दिखाओ चाइनीज, हम लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं है। अच्छा हम इतना फिराते घुमाते वो लाइफ का बेस्ट नहीं था आज? आज बेस्ट है, स्पेगेटी थी, वो थे लज़ानिया, दो थे, हाँ शीशा था, इतना एक्सक्लूसिव रूम था हमारे लिए अकेला, पाइन द स्काई का केक था, फिर एक पेस्ट्री भेजी फॉरएवर रॉशर वाली। एक्चुअली बच्चे वहाँ पे खुश होते हैं जहाँ पे माँ बाप नहीं होते, ये सच्ची बात है ना रमी? रमी है ना, है तानू, सच्ची बात कह रही हूँ ना। दिखा ये दूसरा स्टेक था, ये चलो स्टोरीज हो गई हैं तो अभी चेंज कर लो भाई, सुबह फिर जाना है स्कूल। रोमियन कितनी स्टोरीज सुना रहा है, मुझे भी तो सुना। ये क्या निशा, तानो तानो जी भाई, माँ बाप की गैर मौजूदगी में ज्यादा इंजॉय करते हैं, माँ बाप के साथ माँ बाप चाहे जो मर्जी उनको करवा ले वो इतनी हैप्पीनेस उनकी नहीं आती है, शायद ये एज का तकाजा है।
और बच्चे अपनी जो गैदरिंग होती है ना उसमें ज्यादा मजा करते हैं। हम वीडियो का करेंगे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।